बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज का मौजू है फेशियल पैरालिसिस, लकवा। आज हम बात करेंगे लकवे के बारे में। ये फेशियल पैरालिसिस ये किस तरह लगता है, इनकी वजूहात क्या है, अवामिल क्या हैं, निशानियां क्या हैं, किन किन लोगों को ये लकवा लग जाती है, और क्या होम्योपैथिक में इसकी दवाइयां हैं, इसके इलाज के लिए मुस्तनद और मुफीद दवाइयां हैं, तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब, आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे ब्रेन में से 12 आसाब निकलते हैं। ये आसाब हमारे बदन के दोनों जानेब ये चले जाते हैं। इनका काम है मसल्स को कुव्वत पहुंचाना। ये दिमाग में से मैसेज वसूल करते हैं, गोया के दिमाग इनको मैसेज देता है और वो मैसेज के ज़रिए से वो काम पे लग जाते हैं। ये आसाब न सिर्फ बदन के मसल्स को कुव्वत पहुंचाते हैं बल्कि खुद दिमाग के लिए भी काम करते हैं। दोस्तों ये जो 12 क्रेनियल असब होते हैं उनमें से 7वां क्रेनियल असब जो है वो है चेहरे का असब, यानी फेशियल नर्व। वो कान के साइड में से नीचे अरब होता है चेहरे की तरफ। ये खुद जब नीचे आ जाता है तो ये 3 मरकजों में तकसीम होता है। सबसे पहला है इनका मोटर, नंबर 2 है सेंसरी, और नंबर 3 है सिग्रेटो मोटर। ये चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करता है और इसके जो हमारे चेहरे के तासुरात हैं उस तासुरात को रूनमा करता है। अब उस तासुरात में हैं कौन सी चीज़ें, उसमें मुस्कुराहट है, उसमें रोना है, उसमें लबों का हरकत होना है, उसमें आंखों का ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना है, और उसमें जबान भी शामिल है। अगर इन आसाब में कोई एक भी डिफेक्ट हो जाए तो चेहरे का वो जो मसल्स है उसके काम करदगी वो मुतासर होता है। तो दोस्तों ये होता किस तरह है, इनके कारकर्दगी में फ़र्क कैसे आ जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखते हैं कि ये फेशियल पैरालिसिस यानी लकवा, उनकी निशानियां क्या हैं, वो किस तरह लग जाता है। दोस्तों इसके कोई ख़ास वजह तो होता ही नहीं है, अलबत्त कुछ ऐसे वजूहात हैं जिसके बना पर वो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। सबसे पहले ये कि दिमाग के नर्व में कहीं कोई इंजरी हो, कहीं कोई इन्फेक्शन हो, या दिमाग में और गर्दन में कोई गांठ हो, कोई फोड़ा हो, कोई पुलसी हो, या किसी दांत में जो अकल के दांत होते हैं उस हिस्से में कोई जख्म हो, ये एक वजह हो सकता है। हादसाती तौर पे कोई हादसा पेश आया हुआ हो, उससे नर्व इंजरी हो, यानी इस साइड पे या बैक साइड पे जहाँ से ये नस नीचे आता है वो अगर मुतासर हो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है, हमारे नौजवानों को जब भी ये फेशियल पैरालिसिस होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो नौजवान मोटरसाइकिलों पे सवार होते हैं और वो हेलमेट नहीं पहनते। अगर गर्मी हो हेलमेट ना पहने, कम से कम टोपियां पहन लिया करें, तो वो एयर जो आ जाता है ख़ास तौर पे ठंड मौसम में, सर्दी में, वो एयर की वजह से चेहरे पर लगता रहता है और चेहरे में हवा तेज़ होता है। तो एक वजह मोटरसाइकिल सवार चलाने वाले, बाइक चलाने वालों का ये हो जाता है। और एक वो लोगों को भी इसमें ज़्यादा इसके गिरफ्त में आ जाते हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं और खिड़की के पास बैठे हुए होते हैं और खिड़की जो है खुली हुई होती है, वहाँ से सामने से हवा आ जाता है और उस हवा के प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि चेहरे पर वो पूरा लगता रहता है, जिसकी वजह से वो फेशियल पैरालिसिस में वो मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कार मोटर में सफ़र करते हैं या बसों में सफ़र करते हैं और खिड़की के साथ बराबर में बैठे होते हैं, खिड़की खुली हुई होती है, तो वहाँ से जो एयर आ जाता है तो वो भी इस मर्ज़ का
सबब बन जाता है। और जहन में कोई दिमाग में कोई ट्रामा वगैरह हो, कोई जख्म हो, तो ये लकवा लग जाती है। अब ये देखना है कि लकवा जब किसी को लग जाते हैं तो कैसे पता चलता है, ये तो उनकी निशानियां साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब उनके जब लग जाते हैं उस वो किस तरह होता है, कैसे पता चल जाता है कि बंदे को लकवा लग जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको वजूहात बता दिए, अब मैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स बता देता हूँ। वैसे भी जिसको लकवा लग जाती है वैसे पता चल जाता है, उनके चेहरे एक साइड कज होता है, ठेढ़ा हो जाता है, उसके होंठ जो है गिर जाते हैं निचले सर पे, लेफ्ट हो या राइट हो, या इनके जो पलकें होती हैं वो गिर जाते हैं, और कुछ केसों में पलकें बंद नहीं होते, ऐसे खुले रहते हैं, या उनके जो मुंह है लेफ्ट हो या राइट हो वो सलाइवा जो है निकलता रहता है, जबान लड़खड़ाने लगता है, जबान के जो गुफ्तगु है वो ठीक नहीं होती है, वो साफ नहीं होती, और जब कोई मशरूब पी लेता है, पानी पी लेता है, तो उसको भी किनारों से पानी गिर जाता है, निगलने में खाने में उसको दुश्वारी होती है, जबान बारीपन महसूस करता है, और जब इस तरह के कोई, और हाँ चेहरे पे जब उसको हाथ लगाता है तो महसूस करता है कि जैसे वो कोई बहुत ही मोटे स्किन पे उसके हाथ गिर रहे हैं, और चींटियां जैसे रेंगने लगते हैं, जैसे कोई मकड़ी के जाल है वो खींचा जाता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और कान के अंदर या बैक साइड पे एक मीठा सा दर्द शुरू होता है जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और वो दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, और मुंह का जायका चेंज हो जाता है। ये थी इनकी निशानियां। अब भाइयों ये लकवा क्या इसके होम्योपैथी में इसका इलाज है या नहीं, मैं आप लोगों को इसके इलाज बता दूंगा होम्योपैथी अद्वियात में, मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों अब लकवा के इलाज के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही मुफीद अद्वियात हैं। हमारे जो होम्योपैथ डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट को अच्छी तरह डील करते हैं, हर एक का प्रैक्टिस अलग होता है। मैं अपने क्लिनिक में मेरे हर सातवां आठवां जो पेशेंट होते हैं वो लकवे के आते हैं, और सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है। अब मैं जो अपने क्लिनिक में अद्वियात देता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखे कि लकवा या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है। मेरे पास दो कॉम्बिनेशन हैं, एक कॉम्बिनेशन लेफ्ट साइड पैरालिसिस के लिए मैंने बनाया है LFC के नाम से, और एक कॉम्बिनेशन मैंने राइट साइड फेशियल के लिए बनाया है, इन्हें RFC के लिए RFC नाम दिया गया है, राइट फेशियल कॉम्बिनेशन और लेफ्ट फेशियल कॉम्बिनेशन। ये जब ये पेशेंट आ जाता है, अगर लेफ्ट हो तो लेफ्ट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और अगर राइट हो तो राइट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अलबत्ता इस कॉम्बिनेशन से पहले चार डाइल्यूशन मैं इस्तेमाल करता हूं अपने पेशेंट के लिए, वो मैं बताऊंगा। जैसे ही किसी को फेशियल पैरालिसिस हो और डिक्लेयर हो गया किसी को फेशियल पैरालिसिस है, तो एक दवाई जो सरताज दवाई है, टॉप की दवाई है, उसे कभी भूलना नहीं है, और वो है आर्निका 1 mg, 1 mg 1000 CH कहलाता है, और दूसरी दवाई है एकोनाइट 3x, तीसरी दवाई है हाइप्रिकम, और चौथी है कॉक्यूलस। ये चार डाइल्यूशंस इनके तरीके मैं आपको बताऊं किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे पेशेंट आया, आपने दवाई किस तरह इस्तेमाल की, जैसे डिक्लेयर हो गया, आपने हर 10 मिनट में 2 कतरे आर्निका 1 mg के जबान पे टपकाना है, 24 घंटे पूरे होने के बाद फिर आप हर एक घंटे में 2 कतरे टपकाना है, 48 घंटे जब पूरे होंगे फिर तीसरे दिन जब कदम रखता है, आर्निका 1 mg की जो है आप हर 4 घंटे में 2 कतरे टपकाना है, और चौथे दिन में आप आर्निका दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम देनी है, सुबह नहार मुंह और रात को सोने से पहले 2 कतरे जबान टिपकाना है। ये था अर्निका के इस्तेमाल। फिर आते हैं
एकोनेट 3X, एकोनेट 3X के जो है जिस तरह आप एग्रिका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह एकोनेट 3X है, और वो हर घंटे में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के आप उसको पिला दें। ये शुरू के 24 घंटे, शुरू के 24 घंटे जब खत्म हो फिर आप इसे 2 घंटे में 5 कतरे पिलाएंगे 1 चम्मच पानी में, और तीसरे दिन में आप 4 घंटे में 5 कतरे पिलाएंगे 1 चम्मच पानी में, और चौथे में आप 3 दिन 3 टाइम सुबह दोपहर रात को, 4 टाइम सुबह दोपहर शाम और रात को आपको उसको पिलाना है, और ये आखिर तक चलेगा 5 5 कतरे 1 चम्मच पानी में। अब आते हैं हाइपरिकम। हाइपरिकम टॉप की दवाई है जहां पर नर्व्स इंजरी हो, खा वो दिमाग का हो या गर्दन का हो कहीं का भी हो, वो उसको ठीक कर देती है और रिपेयर कर देती है उसको। तो हाइपरिकम आप दोपहर को सिर्फ 3 कतरे जबान पर टपका देंगे, इसका सिर्फ एक खुराक होगा दोपहर के टाइम पे। और फिर आते हैं कॉक्यूलस। कॉक्यूलस जो है वो रात के टाइम पे, रात के समय आपको 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के सोने के वक्त उनको आप पिला देंगे। ये थे हमारे 4 डाइल्यूशंस के इस्तेमाल के तरीके। अब आते हैं कम्बिनेशन, जो मैंने 2 कम्बिनेशन बनाई हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों 4 डाइल्यूशन के अलावा अब हम आते हैं कम्बिनेशन में। पहला कम्बिनेशन है RFC, राइट फेशियल कम्बिनेशन। इसमें 4 डाइल्यूशन शामिल हैं 200 CH में। नंबर 1 है कास्टिकम 200 CH, नंबर 2 है मॉर्फिनम 200 CH, नंबर 3 है फास्फोरस 200 CH में, और नंबर 4 है जिंकम मेट 200 CH प्रेजेंसी में। ये 4 डाइल्यूशन आप RFC में बना देंगे, और LFC लेफ्ट फेशियल कम्बिनेशन, उसमें भी 4 डाइल्यूशन हैं, 4 डाइल्यूशन 200 CH में। नंबर 1 है एलियम सीपा 200 CH पोटेंसी में, नंबर 2 है मॉर्फिनम 200 CH पोटेंसी में, नंबर 3 है कैडमियम सल्फ 200 CH पोटेंसी में, और नंबर 4 है नक्स वोमिका 200 CH पोटेंसी में। ये इनके बनाने के तरीके और इसके इस्तेमाल क्या है। अब आप जब मेडिसिन लेने जाएंगे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, आप जितनी भी दवाइयां हैं 8 डाइल्यूशन ये हो गए, 4 डाइल्यूशन वो पहले के थे, या आप सील पैक लेंगे किसी अच्छे कंपनी का, अगर हो सके तो किसी डॉक्टर रिक्विज के हों या श्वाबे के हों या कोई अच्छी भी कंपनी के हों, मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन मुस्तैद कंपनी हो वो आप ले लेंगे। साथ में 2 खाली फाइल भी ले लेंगे। 2 खाली फाइल जो आप लेंगे 120 या 100 ग्राम का, 100 mg का, 100 मिलीग्राम का, वो आप ले लेंगे। आप घर पे आके आप RFC राइट फेशियल कम्बिनेशन के अद्वियात आप एक एक करके खोल में डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसको सही मानों में हिला देंगे ताकि सही मानों में मिक्स हो जाए, और फिर LFC के जो है कम्बिनेशन के आप बनाकर उनकी दवाएं एक एक करके उस फाइल में डाल देंगे, और साथ में लेबल लगा देंगे LFC RFC। अब जरूरी नहीं कि आप दोनों पिला दें, आपके जो पेशेंट है अगर वो लेफ्ट पैरालिसिस है तो वो 4 डाइल्यूशन जो मैंने पहले बताए, आर्निका और एकोनाइट हैपरिकम और कॉक्युलस, उसके अलावा अगर आपके पेशेंट लेफ्ट साइड का है तो आप इसे LFC के कम्बिनेशन के 4 कतरे दिन में 4 बार सुबह दोपहर असर और रात को देनी है, और अगर आपका पेशेंट लेफ्ट साइड का है तो वो 4 डाइल्यूशन के अलावा आप LFC के जो है कम्बिनेशन 4 4 कतरे दिन में 4 टाइम आपको देनी है। ये अद्वियात आप हमेशा खाली पेट देते रहेंगे, और अपने पेशेंट को गर्म कमरे में रखें, गर्म कमरा हो और ठंड ना लगे उसको, और आमतौर पे से पानी से भी थोड़ा सा बचाएं कम से कम एक हफ्ते के लिए। इंशाल्लाह ताला ये अद्वियात आप एक हफ्ते इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पेशेंट बेहतरी की तरफ जाएगा, और दूसरे हफ्ते में उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा, सीधा होगा, मुमकिन है थोड़ा बहुत उसमें नक्स आ जाए, और तीसरे हफ्ते में
आपके पेशेंट जो है बिल्कुल सेहतियाब होगा। और चौथे हफ्ते में आप इनसे माता कदम देंगे, इन्हें एहतियातन दे देंगे। चौथे हफ्ते आप चलाएंगे इसके लिए दवाइयों को जिस तरतीब से बता रहा था उस तरतीब से देंगे। अच्छी गजा दे दें इसको, अच्छी खुराक दे दें, गर्म कमरा हो, गर्म जो है उसके लिबास हो। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मालिश की ज़रूरत हुआ तो हमेशा याद रखें कि ब्राउनिया ऑयल आता है, किसी भी कंपनी का हो, ब्राउनिया आलिया ऑयल, ब्राउनिया ऑयल आप ले लेंगे। अगर लेफ्ट पे पैरालिसिस है तो आप जो है मुखालिफ समत में थोड़ा सा मालिश करेंगे, और अगर राइट में है तो आप मुखालिफ समत लेफ्ट में थोड़ा चेहरे को मालिश करेंगे। यह है इसके मालिश का तरीका। और कोई गर्म कपड़ा जो है सर पर डाल देंगे, इंशाल्लाह ताला आपका मरीज सेहतियाब होगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप बगैर अपने डॉक्टर के मशवरे के ना लिया करें। जब भी ऐसा कोई केस हो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, उसके बाद आप दवाई इस्तेमाल कर लें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।